उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, ईद के बाद आज हमारा सेकंड लेक्चर है। लेक्चर्स को हमने किया था, अगर किसी को फर्स्ट लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है तो वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी जो अब नेक्स्ट लेक्चर है उसके ऊपर हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली तो आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन सभी की होगी होगी, ये मुझे कंफर्म कर दीजिएगा। सभी सभी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका हुआ है, कोई इशू है तो वो भी जी बता दें। सर, जी सर, ओके हो गया सर। जी सर, ओके। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने बॉक्स को देखा था, ठीक है, ज्योमेट्रिक टूल्स को हम देख रहे थे जिसमें हमारे पास बॉक्स था, कॉइन है, शेप्स हैं। ये सभी शेप्स आपने ऑलमोस्ट ट्राई कर ली होंगी, किस तरह से वर्क कर रही थी, किस तरह से ये काम करती हैं। इसकी आपने मॉडिफिकेशन में जाके ये भी चेक कर लिया होगा कि इसकी लेंथ वेथ हम किस तरह से सेट करते हैं, ठीक है। अब एक चीज जो है, एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप बार बार पेज को सेट आपको ना करना पड़े। जब भी आप ओपन करें, डिफॉल्ट पेज जो है वो आपका सेट ही हो, तो उसके लिए क्या करना होगा वो मैं आपको बताने लगा हूँ। तो जिसके पास लैपटॉप है वो साथ साथ प्रैक्टिस भी कर सकता है, ठीक है। अच्छा जी, अब फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट हमने ये देखा था कि ये हमारे पास व्यूज था जहाँ से हम सेट कर रहे थे मैनुअली, यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं इसे। तो ये एक व्यू क्यूब जो है, इसे आप ऑफ करना चाह रहे होते हैं तो आप यहाँ से आप इसे ऑफ कर दें, इसे व्यू क्यूब पे जाएं, व्यू क्यूब पे जाके यहाँ पे आप सभी को ऑफ कर दें, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है तो आप इसे ऑफ कर दें, ठीक है। ये करने के बाद आप इसके यूनिट्स वगैरह सेट करना चाह रहे हैं तो आप इसके यूनिट्स भी जो है वो सेट कर सकते हैं, ठीक है। आप जाएं और यूएस स्टैंडर्ड पे जाके आप इसके यूनिट्स वगैरह सेट कर दें, ठीक है। ये आपके पास सेकंड ऑप्शन हो गई, ये चीज आपने सेट कर ली है वाली ऑलमोस्ट। आप कह रहे हैं कि ये मेरे पास ये सेट हो चुका है। अब यूनिट भी आपने सेट कर लिया, क्यूब को भी आपने रिमूव कर दिया। अब ये चीजें होगी कि जब भी ओपन हो तो ऑटोमेटिकली मेरे पास कुछ इस तरह से स्क्रीन आए इसकी। तो आपने ये करने के बाद यहाँ पे आपके पास कॉर्नर पे आ रहा है वर्क स्पेस के नाम से, डिफॉल्ट आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। आपने सेटिंग कर ली, यहाँ से आपने इसे रिमूव कर दिया व्यू क्यूब को। एक हमने देखा था कि हम सिर्फ एक एक्टिव जो व्यू क्यूब है उसके ऊपर ऑन रहे, बाकी सबके ऊपर ऑफ हो जाए। अगर आप वैसे करना चाह रहे हैं तो आप वैसे कर सकते हैं, शो व्यू क्यूब, हम सिर्फ और सिर्फ एक्टिव के ऊपर रहे, बाकी के ऊपर जो है वो व्यू क्यूब जो है वो ऑफ हो जाए। एक्टिव के ऊपर रहेगा व्यू क्यूब, बाकी के ऊपर से वो रिमूव हो जाएगा। ये करने के बाद आपने डिफॉल्ट, डिफॉल्ट के बाद आपने मैनेज वर्क स्पेस, ये करने के बाद आपने कर देना ये सेव डिफॉल्ट स्टेट, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आप यहाँ से आप इसे सेव कर लीजिएगा। सेव करने के बाद जब भी आप फाइल्स को ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी फाइल कुछ इस तरह से ही ऑन होगी कि जिसमें सिर्फ व्यू क्यूब एक्टिव के ऊपर ही होगा, यूनिट आपके ऑटोमेटिकली सेट होंगे, ठीक है। एक तो ये चीज होगी आपकी। उसके बाद सेकंड चीज है कि आपके पास कस्टमाइज यूजर इंटरफेस में हम चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जाने का मकसद क्या है कि हम चाह रहे हैं कि इसका कलर आप चेंज करना चाह रहे होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास डिफॉल्ट में लाइट कलर है और डार्क कलर है, ठीक है। डिफॉल्ट है तो हमारे पास डार्क है, आप लाइट करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से लाइट भी इसे कर सकते हैं, ठीक है। आप इसे लाइट करना है और यहाँ से हम सेट कर देते हैं, तो कुछ इस तरह से मेरे पास इसका सारा का सारा इंटरफेस जो है वो सेट हो जाएगा, ठीक है। आप फिर दोबारा इसे चेंज करना चाह रहे हैं, डार्क करना चाह रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह वर्क करना चाह रहे हैं, डार्क में लाइट में, ठीक है। तो आप फिर दोबारा यूजर इंटरफेस में चले जाएं, यहाँ पे हम इसे डिफॉल्ट करके, डिफॉल्ट करने के बाद सेट कर देते हैं, और ये मेरे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेट हो जाएगा, ठीक हो गया। ये तो हमारे पास हो गई इसके इंटरफेस को, हम किस तरह इसका कलर चेंज किस तरह से कर सकते हैं, लाइट किस तरह से करना है, डार्क किस तरह से करना है, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट वर्क की तरफ। बॉक्स बनाना इजी है, सिंपल, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है इसमें, ठीक
ठीक है, अब आते हैं हम इसमें कुछ हमारे पास 2D शेप्स भी हैं, लाइक जिस तरह हमारे पास 3D शेप्स हैं, जिस तरह हम बॉक्स बना रहे हैं, कॉइन बना रहे हैं, शेप है, इसी तरह हमारे पास उससे आगे वाली ऑप्शन आ जाती है, वो है हमारे पास शेप की। ठीक है, शेप पे चले जाएं तो वहां पे हमारे पास लाइन भी है, रेक्टेंगुलर है, सर्कल है। लाइन सिंपल वही 1 पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ठीक है, ऐसा होना आपका चलता है, एस्केप प्रेस करें जहां तक आपको लाइन चाहिए और ये ड्रॉ हो जाए। ठीक हो गया, ये हमारे पास लाइन हो गई। एक फर्दर लाइन की प्रॉपर्टीज भी हैं, किस तरह से हम इसकी थिकनेस बढ़ा सकते हैं, किस तरह काम कर सकते हैं, रीडल किस तरह से करते हैं, ये भी फर्दर देखते हैं। इसे रेक्टेंगुलर है, सर्कल है, एलिप्स है, आर्क, सेम वही प्रोसीजर जिस तरह से आप ऑटोकैड में ड्रा करते हैं, इसी तरह यहाँ पर भी आप ड्रा कर सकते हैं। इसे वहां पे आप कमांड्स की मदद से करते हैं, यहाँ पे आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। ठीक है, स्टार है आपके पास और फर्दर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा टेक्स्ट, टेक्स्ट चेंज करना चाह रहे हैं कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, 1 2 3। ये मेरे पास आ गया जी शेप्स का। ठीक हो गया, ये तो थी हमारे पास किस तरह से हम बॉक्स, किस तरह से 3D बॉक्स किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं, ड्रॉ करते हैं। ये था, ये देखा, कॉइन था, कौन आ गई हमारे पास, फेयर आ गया, ज्योमेट्रिक्स फेयर आ गया। ठीक हो गया, ये थी कुछ चीजें हमारे पास। फर्दर हम इसे हम वर्क में किस तरह से लाएंगे, आज हम देखेंगे कि फाइल को किस तरह से इंपोर्ट किस तरह से करेंगे। ठीक है, फिर हम उसके ऊपर अपनी कमांड्स को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो उसे देखते हैं। उसके लिए मैं एक फाइल निकाल लेता हूँ, ये मेरे पास ऑटोकैड की फाइल है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ऑटोकैड की फाइल के ऊपर हम किस तरह से वर्क किस तरह से करेंगे वो हम देखते हैं। तो कोई भी फाइल हम यहाँ से बता देते हैं। चलिए, ये एक बात है, इसे मैं उठा रहा हूँ। ठीक है, तो ये किस तरह से करना होगा, ऑटोकैड की फाइल, ऑटोकैड ऑलमोस्ट सबको आता है, सभी को आता है ऑटोकैड स्टूडेंट्स। यस सर। ओके, हो गया। अब देखिएगा कि ये मेरे पास एक पार्ट है, ये मैंने उसकी वॉल्स डिजाइन हुई पड़ी है, मेरे पास सारा कुछ है। अभी जस्ट मैं लेके जाना चाह रहा हूँ वहां पे, ये वाला बात का टॉप व्यू। ठीक है, उसकी प्लानिंग जो है, मैं क्या करूंगा, W एंटर करूंगा। ठीक है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, जो मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए उसे मैं सिलेक्ट कर लूंगा, एंटर करूंगा, और कहाँ पर मैं इसे सेव करूँ, ये एक सेपरेट पार्ट जो है मैं इसे सेव करने लगा हूँ, और इसे मैं डेस्कटॉप के ऊपर ही सेव कर लेता हूँ। नेक्स्ट स्केल, और यहाँ पे मैं इसे नाम दे देता हूँ बात का। ठीक है, और इसे मैं कर देता हूँ ओके। अब ये मेरे पास एक बात का टॉप व्यू था, ठीक है, जिसे मैंने एक सेपरेट फाइल में, ऑटोकैड की फाइल में ड्रॉ कर लिया जी, इसे सेपरेट कर लिया। अब मैं इसे ओपन करना चाहें तो डेस्कटॉप में गया, नेक्स्ट स्केल, और यहाँ पे मेरे पास ये बात है, ये कुछ इस तरह से मेरे पास ये बात जो है सेपरेटली आ गया। इसे मैं मैक्स में किस तरह से लेके जाऊंगा, आज हम देखते हैं कि इंपोर्ट किस तरह से करेंगे हम। ठीक है, वो करने के लिए फाइल, फाइल से चले जाते हैं हम इंपोर्ट पे। ठीक हो गया, डेस्कटॉप पे मेरे पास फाइल पड़ी है, जहां पर आपकी फाइल पड़ी होगी वहां पे आपने उसे सिलेक्ट करना है, ओपन कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास एक है कि जो आपकी वहां पे स्केलिंग सेट हुई है, आप उसे यूज करना चाह रहे हैं। ठीक है, एक है कि आप रीस्केल कर दें जी, हम रीस्केल करेंगे कि जो इसके मुताबिक, यहाँ पे हम इंचेस में, मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है यहाँ पे मेरे पास, लेयर ब्लॉक्स और नोड्स की। ठीक है, जो भी काम आपने करना है वो आपने लेयर्स में करना है, ये भी मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, आपने जो भी काम करना है लेयर में करना है, आपने यहाँ पे आके सेलेक्ट जो ऑप्शन करनी है, लेयर ब्लॉक एंड नोड्स। ठीक है,
क्योंकि जब आप लेआउट डिजाइन करते हैं तो वहां पे आपने कुछ ब्लॉक्स भी ऐड किए होते हैं फर्नीचर के। जब भी हम इंपोर्ट करें फाइल तो उसमें वो लेयर में एक तो आए कलरफुल हो, सेकेंडली उसके ब्लॉक्स जो है वो ब्लॉक में भी आए, ठीक है, और जो आपने मटेरियल वगैरह जो भी आपने किया होगा वो उसके साथ जो है स्प्रेड के साथ जो फाइल जो है ना वो भी आ जाए। अगर 3D में होगी तो जो आपने कलर इम्प्लीमेंट किए होंगे तो वो भी आ जाएंगे आपके, जो जो आपने मटेरियल अप्लाई किया होगा, ठीक है। ये कर दिया मैंने, ये करने के बाद मैं नीचे आ जाऊँ तो यहाँ पे मेरे पास हैच की ऑप्शन भी है, एक्सरेफ लाइट्स आपने लगाई हुई हैं, यानी ये इसलिए बता रहा हूँ कि ऑटोकैड में भी 3D बन जाती है, स्केचअप में भी बन जाती है, दोनों फाइल को इंपोर्ट करने का प्रोसीजर सेम है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसे कर देता हूँ ओके, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से मेरे पास फाइल आ जाएगी, ये रेड कलर वॉल सेपरेट आ गया, ये सेपरेट आ गया, और ये ब्लॉक्स ये मेरे पास सेपरेटली आ गए, ये विंडो मेरे पास सेपरेट हो गई। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, जब भी आपने इंपोर्ट करना है कोई भी फाइल इंपोर्ट करनी है तो उसे आपने सबसे पहले सेपरेट कर लेना है जिस फाइल की 3D आपने क्रिएट करनी है। रूम का इंटीरियर कर रहे हैं तो उस पार्ट को आपने सेपरेट कर लेना है। अगर आप कर रहे हैं जी आप किसी की फ्रंट एलिवेशन करना है तो भी आपने उस पार्ट को सेपरेटली जो है सिलेक्ट करना है, और सेपरेट करके फिर आपने जो है उस फाइल को 3ds Max फाइल के अंदर ले जाना है। ये मेरे पास एक वॉशरूम जो है ना ये सेपरेटली मेरे पास आ गया। अब जो जो हमने पढ़ा था पिछली क्लास में वो फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ साथ साथ वर्किंग के, वो भी आप देख लीजिएगा। अब ये देखें ये मेरे पास टॉप व्यू है, सर एक दफा फाइल इंपोर्ट बता दें दोबारा। फाइल इंपोर्ट कैसे? मैं फाइल इंपोर्ट फिर दोबारा बता रहा हूँ, सेम प्रोसीजर, फाइल पे जाना है, इंपोर्ट, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट कर दिया, फाइल पे गए, इंपोर्ट, ये मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, सिंपल प्रोसीजर के साथ आप इंपोर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। फर्स्टली आपने यहाँ पे रीस्केल के ऑप्शन को क्लिक कर देना है, इंचज में कर रहे हैं, फिट में कर रहे हैं, बाहर चले जाएं तो उनका साइन चेंज हो जाता है, वो मिलीमीटर्स में भी कर रहे होते हैं, मीटर में भी काम चल रहा होता है, सेंटीमीटर में भी काम करते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप अगर हमारी कैड में फाइल फिट के अंदर बनी हुई है तो इसमें हम यहाँ पे भी आके फिट में क्लिक करेंगे। फिट पे करेंगे, जिस तरह की फाइल आपने वहां पे किया हुआ सेम प्रोसीजर आपने यूज करना है, ठीक है। अगर आप वहां पे मीटर में काम करना है तो यहाँ पर भी मीटर में ही करना है आपने, ठीक हो गया ओके स्टूडेंट, सर, थैंक यू। ये ओके कर रहा हूँ। आप और सेकंड ऑप्शन आपने यहाँ पे जरूर क्लिक करना है कि लेयर्स ब्लॉक्स, ठीक है, और नोट्स जो है ये आपके मटेरियल स्प्रेड्स है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ सिर्फ यही कर देता हूँ कि मेरे पास अभी 3D कोई मैंने मटेरियल इंप्लीमेंटेशन नहीं की हुई, तो मैं सिंपल जो है लेयर ब्लॉक्स एंड नोड जो है वो उसे को क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद हाँ एक चीज और स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि हमारे पास कुछ हम कर्व्स यूज करते हैं, कर्विंग के अंदर आते हैं, तो कर्विंग में आपने यहाँ पे वैल्यू जो है वो आप 10 करना है, 10 कर दें, इंक्रीज करेंगे तो वो थोड़ा सा उसके जो है ना कर्व्स को इंक्रीज कर देगी उसकी वैल्यूज को, ठीक सर है। नॉर्मल कितनी रखनी है यहाँ पे? नॉर्मल आप के डिपेंड करता है कि आप स्ट्रेट लाइन पे वर्किंग कर रहे हैं तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। नॉर्मल इसकी डिफॉल्ट है तो 10 ही होगी, तो 10 ही आप रहने दीजिएगा, उसको कोई इशू नहीं है। अगर आप क्लासिक में वर्क कर रहे हैं तो फिर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी कि आर्च जब आप क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए आपको वैल्यूज की इंक्रीज कर दें, 99 कर दें, 100 कर दें, ठीक है। इसे मैं ओके कर देता हूँ और ये मेरे पास फाइल जो है ये आ गई, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? चले नेक्स्ट करते ओके हैं। सर। अब ओके हो गया, अब नेक्स्ट प्रोसीजर है मेरे पास कि हमने इसे एक्सट्रूड करना होता है, सिंपल ऐसे ही है। अब जी देखिएगा सर। यहाँ, अब ये देखें कि ये मेरे पास पार्ट सेपरेट है, ये सेपरेट है, ये वाला पार्ट जो है ये मेरे पास सेपरेट है। ये जो लेयर्स आप सेट करेंगे उसके मुताबिक ये आपके पास फाइल जो है ना वो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो
लेयर्स में हमेशा काम करें ताकि आपको इजी होएगा, आपके लिए इजी वे है। तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट करते हैं जी। आज का जो हमारा था वो हम फाइल को इम्पोर्ट कर रहे हैं और आज हम देख रहे हैं 2D को, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि हम जो पहले वाले लेक्चर्स में हमने टूल्स पढ़े उसके ऊपर साथ वर्किंग करें तो उसके साथ भी कर सकते हैं। तो फर्दर अगर हम ज्यादा से ज्यादा सीखना चाहते हैं, जरूरी नहीं कि हम 3 लेक्चर्स करें, 4 करें, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आप वर्किंग किस तरह से कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम ज्यादा से ज्यादा सीख पाएंगे, ठीक है। इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि हम डायरेक्टली जो है वो लेआउट के ऊपर वर्किंग करें और साथ साथ टूल्स को भी रीड आउट करें प्रॉपरली जो है, ठीक है। मैं बॉक्स को क्लिक कर रहा हूँ, बॉक्स की फर्दर डिटेलिंग में जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स इसे नोट भी कर लीजिएगा, फिर रिपीट करना, नोट भी करिएगा साथ साथ और साथ साथ प्रैक्टिस भी करिएगा, ये रिक्वेस्ट है, ठीक है। अब मैं कर रहा हूँ तो फर्दर अब मैं यहाँ पे आप स्नैपिंग ऑन करूंगा, यहाँ पे स्नैपिंग की शॉर्ट की है S, ठीक है। S के साथ स्नैपिंग जो है वो ऑन हो जाएगी। अब वर्किंग मैं इसके ऊपर कर रहा हूँ तो ये स्क्रीन एक बहुत छोटी सी है, मैं चाह रहा हूँ कि स्क्रीन को बड़ा करूँ, तो वही सेम कमांड Alt W, ये मेरे पास स्क्रीन जो है बड़ी हो गई। मैं इसके ऊपर वर्किंग जो है आज बॉक्स और एडिट टू पॉली के साथ हम इसे किस तरह से क्रिएट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। बॉक्स और एडिट टू पॉली, ठीक है, और फिर लाइन के साथ किस तरह से करेंगे, ये दो चीजें जो है आज हम देखते हैं, ठीक है। फर्स्टली बॉक्स मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे करूंगा तो मुझे मैन्युअली जूम करना पड़ेगा और फिर जाके बॉक्स ड्रा करूंगा, आया कि ये एग्जैक्ट होता है नहीं होता, ठीक है, ये प्रॉब्लम इस तरह से क्रिएट करेगा। उससे बचने के लिए इन्होंने हमें एक टूल दिया है कि आप स्नैप ऑन करें, ठीक है। अगर आइकॉन देखें तो हमारे पास ये ऊपर चले जाए स्नैप टूगल्स, ठीक है। स्नैप टूगल्स पे जाऊंगा, अभी हम 2D में काम कर रहे हैं जी, 2D कर लें या 2.5 में कर लेता हूँ। 2.5 करने के बाद ये मेरे पास स्नैप ऑन हो गया, ठीक है। बॉक्स लूंगा, ये नोड को ऊपर सेलेक्ट करा डायरेक्ट एंड टू एंड, ठीक है। आप चेंज करना चाह रहे हैं राइट क्लिक करें उसके ऊपर, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने किया हुआ है एंड पॉइंट और मिड पॉइंट, आप चाह रहे हैं कि सिर्फ एंड टू एंड हो तो यहाँ पे एंड टू एंड कर ले और यहाँ से इससे क्लोज कर। फिर रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, स्नैप टूगल्स, स्नैप टूगल्स के ये साइड पे देख रहे हैं एरो का साइन है, यहाँ पे आपने लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखना है। 2D व्यू, 2.5 ये मीन के इसके अंदर आप 2D के अंदर रहते हुए वर्किंग कर सकते हैं, वो इजीली स्नैप कर लेगा। 3D के 3D जब आप क्रिएट कर लेंगे 3D मॉडल्स तो उसके नोड्स को एंड टू एंड पकड़ने के लिए, ठीक है। अभी मैं ये 2.5 कर रहा हूँ और राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास नोड्स आ जाएंगे, किस पॉइंट पे आप सेट करना चाह रहे हैं, ग्रेडिंग टू ग्रेड वो पिक करे, ठीक है। ग्रेड लाइन के ऊपर पिक करे, हम चाह रहे हैं एंड पॉइंट पे क्लिक करे तो उसे सिलेक्ट किया और क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे मैं इसे ये क्रिएट कर दिया। अब ये करने के बाद इसकी मैंने हाइट दे दी, अब ये मेरे पास हाइट आ गई। मैं यहाँ पे इसे कह देता हूँ कि इसकी हाइट यहाँ पे फिर सेट हो जाए, वो मैं इसे कर देता हूँ 5 फिट्स कर देता हूँ। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये उसके मुताबिक जिस तरह से आप सेट करते जाएंगे ये सेट हो जाएगा, इसका साइज 5 फिट पे मैंने इसे कर दिया, ठीक है। 5 फिट करने के बाद मैं फिर मैनुअली वर्क करता हूँ यहाँ पे बॉक्स के साथ ही, और यहाँ पे मैं फिर यहाँ पे पिक किया और एक बॉक्स मैंने ये ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे उसने हाइड नहीं दी तो मैं फिर यहाँ पे जाऊंगा इसकी मॉडिफिकेशन में, मूव के ऊपर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से ये रिमूव हो जाता है, ठीक है। जब भी कोई कमांड सेकंड एक्टिव होगी तो यहाँ से रिमूव हो जाएगी उसकी प्रॉपर्टीज। आप चाह रहे हैं कि उसकी प्रॉपर्टीज में गेन जानना चाह रहे हैं तो ये आपके पास मॉडिफिकेशन टूल बार है, इसके ऊपर क्लिक करें, ये आपके पास आ जाएगी इसकी वेट्स कितनी है, ठीक है, लेंथ कितनी है, हाइट 0 आ रही है तो मैं फिर यहाँ पे 5 फिट कर देता हूँ।
ठीक है, फिर वही कमांड यूज करता हूँ, बॉक्स लिया। अभी हमने रीड आउट किया था बॉक्स को, तो बॉक्स के साथ अभी हम वर्किंग जो है ना वो कर रहे हैं। ठीक है, स्नैप की शॉर्ट की एस है स्टूडेंट, स्नैप ऑन करने की शॉर्ट की एस है, एस प्रेस करूंगा फिर ऑन हो जाएगी, एस प्रेस करूंगा तो ऑफ हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मेरे पास आ गया, और मैन्युअली फिर मैं इधर से बॉक्स जो है ये हमने बॉक्स के साथ जो है ना ये सारी की सारी वर्किंग कर दी। ये अभी हम वन बाय वन यानी अलग अलग से जो है हमने बॉक्स जो है उसे लिया और उसके साथ ये वॉल्स जो है वो क्रिएट कर दी। ये तो था कि हम वन बाय वन वॉल्स भी बना सकते हैं इसमें। ठीक है, अगर हम चाह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली एक ही मॉडल हो तो वो हम वो भी देखते हैं। इसे भी कर देता हूँ 5 फिट। इसकी भी सेटिंग जो है सेम कर देता हूँ 5 फिट। इसे सिलेक्ट किया, ये भी हमने कर दिया, इसे भी 5 फिट। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, यहां तक किसी को कोई इशू, किसी को कोई प्रॉब्लम है? चलें नेक्स्ट करते हैं इसके ऊपर। अब ये तो था हमारे पास, हमने बॉक्स के साथ किस तरह से किया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स एक तो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, इसको मैं टॉप में चले जाता हूँ, टी प्रेस करने से टॉप व्यू में आ गया। टॉप व्यू में आने के बाद मुझे इसकी एक कॉपी लेना चाह रहा हूँ, तो कॉपी किस तरह से करूंगा? शिफ्ट का बटन आप प्रेस करके रखेंगे, एक्स एक्सिस की तरफ आपको चाहिए तो आपने उसको शिफ्ट का बटन प्रेस करके लेफ्ट क्लिक प्रेस करना है, और आगे जाके आपने ड्रैग करना है और लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना। ठीक है, छोड़ने के बाद ये आपके पास आ जाएगी कॉपी। कितनी कॉपी चाहिए आपको? दो तीन चार, जितनी भी कॉपी, मैं यहाँ पे दो कॉपी जो है ना वो ले लूंगा। ये मेरे पास दो कॉपीज आ गई इसकी। ठीक है, पर्सपेक्टिव व्यू। अब सेकेंडली मैं इसे ये डिलीट कर रहा हूँ। एक तो था हमने वन बाय वन बॉक्स के साथ किस तरह से इसे डिजाइन किया, और फिर बाद में आप मटेरियल इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम आज का जो हमारे पास है, वो है हमारे पास लाइन के साथ हम किस तरह से करेंगे। लाइन के भी फर्दर डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। ये ऑप्शन जो है ये बहुत मजे की ऑप्शन है, स्टार्ट न्यू शेप और ये ऑटो ग्रिड, ये क्या चीजें हैं ये भी हम देखेंगे। तो हम लाइन की मदद से अब इसे करते हैं सारा के सारे वर्क को। तो लाइन की कमांड को मैं एक्टिव करता हूँ, और स्नैप। अब स्टूडेंट एक चीज नोट करिएगा कि हमने ये वॉल जो है ये डिजाइन करनी है। ठीक है, ये पार्ट हम बनाना चाह रहे हैं। अब एक पार्ट है ये मेरे पास, ये एक सेपरेट बना हुआ है, तो हम क्या करते हैं इन दोनों पार्ट्स को सिलेक्ट करते हैं। ये इसे सिलेक्ट किया, कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखा, और सेकंड शेप को भी सिलेक्ट कर लिया। ये कुछ इस तरह से मेरे पास ये दोनों पार्ट सिलेक्ट हो। अब जब मैंने लाइन के साथ वर्किंग करनी है, मैं चाह रहा हूँ कि ये सब पार्ट जो है ये व्यू मेरे सामने आए, सिर्फ और सिर्फ जो सिलेक्टेड पार्ट है वो मेरे सामने व्यू आना चाहिए, बाकी जो है वो ऑफ हो जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास आइसोलेट सिलेक्शन टूगल जो है उसकी आइकॉन भी है। ठीक है, क्लिक करेंगे तो जो सिलेक्टेड पार्ट है वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, इसे फिर अनचेक करूंगा फिर वैसे हो जाएगा। ठीक है, इसकी शॉर्ट कमांड जो है आइसोलेटेड सिलेक्शन टूगल की जो है शॉर्ट कमांड जो है वो है ऑल्ट क्यू प्रेस करूंगा, तो मेरे पास सिलेक्टेड पार्ट जो है वो मेरे सामने आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स,
अब हम देखते हैं इसके ऊपर फर्दर वर्क करते हैं। हम क्या करेंगे जी, इसके ऊपर वर्क करने के लिए टॉप व्यू में चले जाएं। चलें जी, हम टॉप व्यू में चले जाते हैं। ग्रिड को ऑफ करने का तरीका भी मैंने आपको बताया था, जी प्रेस करूंगा तो ये ग्रिड ऑफ हो जाएंगे, जी प्रेस करूंगा फिर ऑन हो जाएंगे, तो हम इसे ऑफ कर देते हैं ताकि डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करें। ये मेरे पास आ गया, अब मैं लाइन की मदद से इसे ड्रॉ करता हूँ। ट्रेसिंग जैसे हम पॉली लाइन से वहां पे करते थे, यहाँ पे हम लाइन के साथ वो वर्क करेंगे। ठीक है, स्नैप ऑन करने की शॉर्ट की फिर रिपीट कर रहा हूँ, एस है, एस प्रेस किया, एंड टू एंड है, क्लिक किया वन बाय वन, क्लिक करके ये क्लिक किया, ये क्लिक किया, ये से मैंने यहाँ पे यस कर दिया। अब ये यहाँ पे क्लोज हो गया। ठीक है, ये मेरे पास एक पार्ट ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब मैं सेकंड पार्ट को ड्रॉ करता हूँ। स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यहाँ से आप बैक जाना चाह रहे हैं, यहाँ पे आपके पास मिस्टेक हो गई और आप बैक जाना चाह रहे हैं कि आपसे बाय मिस्टेक और जगह पे सिलेक्शन हो गई, तो आपने यहाँ पे स्केप प्रेस नहीं करना, आपने बैक स्पेस को प्लस करना है, तो वो बैक जाता जाएगा नोट। ठीक है, ये देखें जैसे ये बैक आ गया। ठीक है, अगेन सिलेक्ट करें फिर वो सिलेक्ट हो जाए, ये सिलेक्ट किया, इसे सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया और इसे यस कर दिया। अब ये मेरे पास एक पार्ट, ये दो सेकंड पार्ट, ये मेरे पास एक सेपरेट लिए ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब फिर दोबारा हम जाते हैं आइसोलेटेड सिलेक्शन, यानी सभी को देखते हैं कि क्या है हमारे पास, और आप प्लानिंग की तरफ आए और ये मेरे पास ऑटोमेटिकली, ये मैंने इसे ट्रेसिंग की हुई थी, इसे मैं सेपरेट करना चाह रहा हूँ, तो ये मैं सेपरेट कर लेता हूँ, ये इस तरह से। ये मेरे पास एक दो, ये टू पार्ट्स हैं मेरे पास। आप चाह रहे हैं कि ये जो लाइन है इसको भी आप नाम देना चाह रहे हैं, तो ये आपके पास यहाँ पे ऊपर आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं इसे ए दे देता हूँ, इसे मैं दे देता हूँ बी दे देता हूँ। ए पार्ट है और ये मेरे पास बी पार्ट है। ए पार्ट, अब ए पार्ट को आप, हमने यहाँ पे हाइट दी थी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि ये 5 फिट है, हमें वन बाय वन हम इसे बॉक्स को ड्रॉ कर रहे थे। सेकंड में हमने क्या देखा कि हम लाइन की मदद से इसे शेप्स को ड्रॉ किया। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद ये हमारे पास मॉडिफायर लिस्ट आ जाएगी। जैसे आप ऑटोकैड में पॉली लाइन लगाने के बाद एक्सट्रूड करते थे, तो इसमें भी ई प्रेस करूंगा, ये मेरे पास एक्सट्रूड की ऑप्शन आ जाएगी, तो ये यहाँ पे मैं इसको वैल्यू दे देता हूँ 5 फिट। अब ये देखें कि इसको मैंने 5 फिट दे दिया, और इसी तरह मैं इसे करता हूँ, ये वाली वैल्यू को लिया, मॉडिफाइड लिस्ट में गए। ये मॉडिफाइड लिस्ट में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसे सेलेक्ट करना पड़ेगा, फर्स्टली आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, सेकंड मॉडिफाइड लिस्ट में आ जाओ, ये उसकी प्रॉपर्टी आ गई, उसके बाद ये एक्टिव होगा। अगर मैं वैसे करूंगा विदाउट एनी सिलेक्शन, तो यहाँ पर ये जो है लिस्ट एम्प्टी आएगी मेरे पास। ठीक है, करना क्या होगा, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, उसकी मॉडिफिकेशन जो लिस्ट है वो आपके सामने आ जाएगी। यहाँ से आप क्या कर दें जी, इसे सेम प्रोसीजर एक्सट्रूड कर दें और ये मेरे पास ये आ गया। एक तो ये प्रोसीजर हो गया, आप चाह रहे हैं कि जी इसे मैंने एक्सट्रूड किया है, और ये जो है यहाँ से मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ, ये एक्सट्रूड इसे मैंने कर दिया हुआ है ऑलरेडी, इसको मैं क्या करूँगा राइट क्लिक करके कॉपी किया, सेकंड यहाँ पे आया और यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया, दूसरा मेथड हो गया। ठीक है, मैं इस फिर इसे डिलीट कर रहा हूँ और इस चीज़ को भी मैं यहाँ पर इसे, हाँ इसे भी मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, हम क्या करते हैं कि इन दोनों ए और बी को मैं सिलेक्ट किया, यहाँ ए को मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है अटैच की,
उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, गाइड कर दूं कि ये अब जब हम इस चीज को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन के बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं रेंडरिंग के ऑप्शन आ जाती है, अनेबल अनेबल। अब ये देखिए मेरे पास कुछ इस तरह से आ रहे हैं, ये भी हम देखेंगे कि किस तरह से हम यूज कर सकते हैं इसे। समटाइम हम इसे आप यूज करें कि रोप लाइट हम यूज करते हैं सीलिंग में जो है, तो हम लाइन को ड्रॉ करेंगे और जस्ट इसे क्लिक कर दिया तो ये डिटेल हो गया, ये रेक्टेंगुलर हो गया, जहाँ हम नीचे स्कर्टिंग बनाएंगे तो कुछ इस तरह से हम कर देंगे जल्दी वर्किंग के लिए। अदरवाइज इसका मॉडल्स आप जो है ना मोल्डिंग नेट से भी मिल जाती है, वो हम स्वीप कर देते होते हैं। ऑटोकैड की कमांड 3D में स्वीप, सेम कमांड 3DS Max में भी वही है। अभी से मैं रिमूव करता हूँ, अभी हम जो देख रहे थे वो करते हैं। ये लाइन को सिलेक्ट किया और मैं क्या करता हूँ, इससे अटैच कर रहा हूँ ये इसके साथ। अब ये हमारे पास कुछ हिस्सा से हो गया, ये हमारे पास एक ही पार्ट बन गया, ए और बी थे, बी को मैंने बी के साथ ए को अटैच किया तो ये मेरे पास एक बी ई रह गया। अगर मैं ए को सिलेक्ट करके अटैच करता बी के साथ तो ए नाम आ जाना था। अब फर्दर हम इसे चेंज कर सकते हैं, इसे मैं नाम दे देता हूँ। अब ये मेरे पास वॉल का नाम आ गया जी, वॉल मैंने इसे नाम दे दिया। जरूरी नहीं कि आप बार बार चेंज करें, ये सिर्फ आपको बताने के लिए है, ठीक है। अदरवाइज आप वर्किंग जल्द से जल्द जैसे करना चाहें वो फिर आप कर सकते हैं इसे, ठीक है। अभी आपको बताने के लिए कि आप यहाँ पे नाम उसे दे सकते हैं। ये करने के बाद सिंपल यहाँ पे मैं एक ही बार एक्सट्रूड की कमांड को एक्टिव करूंगा और 5 फिट, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो हमारे पास हो गया एक कमांड हम जो पहले पढ़ चुके थे, बॉक्स वन बाय वन बॉक्स को हमने बॉक्स के साथ लेआउट के ऊपर ट्रेसिंग करके बॉल्स को कुछ हिस्सा से क्रिएट कर लिया। सेकंड ऑप्शन जो आज हमने रीड आउट की वो ये है कि हम शेप के साथ ट्रेस किया सबसे पहले लेआउट के ऊपर, ट्रेसिंग करने के बाद उसको हम मॉडिफिकेशन में गए, मॉडिफिकेशन में जाके मॉडिफाई लिस्ट में गए, लिस्ट में जाने के बाद हमने एक्सट्रूड की कमांड को एक्टिव कर दिया। ये हमारे पास होगी दो जो चीजें थी जो हमने रीड आउट कर ली, एक हम 3D के साथ ट्रेसिंग और दूसरा लाइन के साथ ट्रेस किया। थर्डली हमने देखा कि हमने इन दो पार्ट्स को आपस में अटैच कर दिया, लाइंस को आपस में अटैच कर दिया तो हमारे पास कुछ इस तरह से शेप आ गई। अगेन हम अगली लाइन में एक और चीज को देखते हैं। लाइन है हमारे पास, लाइन हमने रीड आउट किया उसके साथ हमने इसे वन बाय वन किया था। और सेकंड जो टूल्स आपको बताने लगा हूँ स्टूडेंट्स, वो बहुत ज्यादा अहम है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसलिए कि जब आप वॉल्स को ड्रॉ करोगे, रूम्स में इंटीरियर को डिजाइन करोगे, तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। वो किस तरह से, जरा गौर से देखिएगा इस चीज को। तो करते हैं, सेम कमांड एक्टिव कर रहा हूँ, वॉल्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ, सिलेक्ट करने के बाद Alt Q, सेम वो वही प्रोसीजर लाइन के साथ इसे ट्रेस कर रहा हूँ। यस अब ये देखिए आपने ये करने के बाद कोई कमांड एक्टिव नहीं करनी, सेम इसके ऊपर एक ऑप्शन आ रही है, इसे आपने अनचेक कर देना है, ठीक है। इसका मतलब था कि जब इसे चेक्ड होगा कि फिर दोबारा कोई भी कमांड एक्टिव होगी तो वो क्या होगी, नई कमांड एक्टिव हो जाएगी, नई लेयर बन जाएगी। अभी हम चाह रहे हैं कि हमने एक लेयर जो ये बनी हुई है इसी के अंदर रहते हुए वर्क करना है, तो इसे हम अनचेक करेंगे। अब देखिए मैं उसी के अंदर रहते हुए इसे ट्रेस कर लेता हूँ, और इसे यस कर दिया, ठीक है। यस करने के बाद मैं अब कमांड को एक्टिव कर रहा हूँ, एक्टिव करने के बाद इसे सेपरेट करूंगा तो ये देखिए ये सारा का सारा एक ही पार्ट हो गया। ठीक है, और इसे मैं अलग किया और इसे मैं सेम वही कमांड
EXT का, ये मेरे पास कुछ ऐसा से। ठीक है, पहले हमने क्या देखा कि हमने सेपरेट लाइन के साथ हमने ट्रेस किया और ये हमारे पास टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, जिसे हमने बाद में अटैच किया और एक सिंगल पार्ट बना दिया। ठीक है, सिंगल पार्ट करने के बाद हमने एक्सट्रूड किया। और सेकेंडली हमने देखा कि हमने लाइन की मदद से ही इसे जब ट्रेस किया तो हमने पूरे ऑब्जेक्ट को एक ही पार्ट बनाने के लिए सिर्फ एक कमांड का यूज किया कि हमने शेप में जाके ये जो ऑप्शन है स्टार्ट न्यू शेप की, इसे अनचेक कर दिया तो हमने इसे ड्रॉ कर लिया सेपरेटली। जो है ड्रॉ करने के बाद ये सारा का सारा एक ही पार्ट बन गया हमारे पास। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ये चीज कि हमने इसे बॉक्स के साथ, लाइन के साथ, लाइन को फर्दर हमने अटैच की कमांड भी देख ली। अटैच के बाद हमने लाइन के अंदर रहते हुए एक ही लाइन में दो शेप्स को यकजा करके बना लिया और उसे एक्सट्रूड कर दिया। ये हो गया हमारे पास थर्ड। ठीक है, अब इस चीज का फायदा क्या है इसको देखने के लिए मैं जाता हूँ फिर दोबारा से पार्ट यहाँ पे ले लेते हैं। हाँ, लेट्स सपोज ये मेरे पास एक सीलिंग, ये ले ले, चले ये मैं एक सीलिंग का पार्ट है मैं इसे ले रहा हूँ, वही सेम कमांड यूज कर रहा हूँ, आपकी रिपीट भी हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, ये W प्रेस किया, इसे सिलेक्ट किया, उससे पहले मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ। ये W प्रेस करके मैं इसे, सेव कर लिया और इसी फाइल को मैं अपनी इस फाइल में जो है इंपोर्ट करता हूँ। सेम इंपोर्ट इंपोर्ट फाइल को सिलेक्ट किया, ओके कर दिया। ठीक है, आपने सेटिंग जो है एक बार की हुई है तो वेल एंड गुड, ओके किया। और ये मेरे पास पार्ट कुछ हिस्सा से आ, स्टूडेंट्स वही कमांड को मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये शेप्स को जब हम अनचेक करते हैं तो किस तरह से वर्किंग होती है। ये मेरे पास एक सीलिंग है, ठीक है, तो मैं इस सीलिंग को ट्रेस करता हूँ। तो उसको करने के लिए मैं क्या करूँगा कि ये मेरे पास पार्ट जो है इसको मैं कर लेता हूँ सेपरेट, कंट्रोल आल्ट क्यू सेलेक्ट करने के बाद आल्ट क्यू प्रेस किया तो ये मेरे पास ये पार्ट सारा का सारा ये सेपरेट हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब ये देखें यहाँ पे मैं लाइन के मदद भी लाइन भी यूज करूंगा, ठीक है, और रेक्टेंगल भी यूज करूंगा, टू शेप्स को ड्रॉ करूंगा। ठीक है, वो किस तरह से करेंगे, हालांकि रेक्टेंगल यहाँ पे लग सकता है, ये देखिए यहाँ पे रेक्टेंगल लगाऊंगा, ये रेक्टेंगल लगा दिया मैंने एक शेप, इसे अनचेक किया। सेकेंडली जो है इसका इनर पार्ट जो है वो मैं ले लेता हूँ। ठीक है, फिर एन अदर पार्ट्स ड्रॉ किया, ट्रेस कर देना आपने मैनुअली जो है। अब ये पार्ट जो है ये मैंने सारे के सारे ये जो है ड्रॉ कर लिए। ठीक है, मूव की कमांड को एक्टिव कर लेता हूँ और इसे मैं सेपरेट करता हूँ। ये देखें ये सारा का सारा एक ही पार्ट बन गया। जी स्टूडेंट्स, किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो पूछ सकते हैं, कोई इशू यहाँ तक स्टूडेंट्स, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकते हैं। नो सर, ओके है, सबके लिए क्लियर है, काइंडली सभी रिस्पॉन्स किया करें।
चलें नेक्स्ट बात करते हैं। ओके सर, जी ओके है सबके लिए, सर। चलें डन। लाइन की भी समझ आ गई आपको और बॉक्स की भी आ गई, किस तरह से हम ट्रेसिंग करते हैं, ये भी सारा क्लियर हो गया आपके। और नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट वर्क की तरफ। अब स्टूडेंट्स एक चीज आप नोट करिएगा कि जब भी यहाँ पे हम देख रहे हैं तो ये भी सेपरेट कलर, सभी के सेपरेट कलर आ रहे हैं। आप कलर चेंज करना चाहें तो आप उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप जो है मॉडिफिकेशन टूल बार में जाएं, एक तो यहाँ पे बॉक्स 6 है तो आप कलर चेंज करना चाहते हैं, आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे आप फिर से कलर चेंज कर सकते हैं। अब इसका मैनुअली कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब एक चीज मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि जो प्रोफेशनली तौर पे आप जब वर्क कर रहे होंगे, मॉडलिंग कर रहे होंगे, तो एक ऑप्शन आपने जरूर याद रखनी कि आप इससे जैसे कलरफुल आ रहा है आपके सामने और आप मॉडलिंग कर रहे हैं, खास तौर पर इंटीरियर जब कर रहे होते हैं, एक्सटीरियर के अंदर भी वो चीज़ यूज होगी, इंटीरियर में भी होगी। हम एक ऑब्जेक्ट है, जब इसको वो मॉडलिंग कर रहे होंगे, एक काम तो आप करें कि से आप कर लें सेपरेटली जो है ना, सेपरेट करके सारी के सारे जो आपके पास मॉडल है उसे सेपरेट कर लें। अभी हमने इसको वॉल क्रिएट करनी है, ठीक है, तो ये मेरे पास कुछ इंस्टांस है तो वो मैं क्या करूँगा, क्लिक किया, ये मेरे पास ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे डिफॉल्ट शेडिंग है, ठीक है, डिफॉल्ट शेडिंग को भी हम देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे हमारे पास बाउंडिंग बॉक्स है, ठीक है, फ्लैट कलर्स हैं, फ्लैट्स हैं, हिडन लाइंस हैं। अगर ऑटोकैड में देखें तो ऑटोकैड में इसकी कमांड है SHA, एंटर करेंगे, शेडर जो है शेडर की कमांड यूज करेंगे तो उसके अंदर आप 2D एंटर करेंगे तो वो 2D व्यू में आएगा, ठीक है, हिडन में यूज करेंगे तो आपके पास H एंटर करेंगे हिडन में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे पास है क्ले, जब भी हम मॉडलिंग करेंगे तो आप यहाँ पे आपने क्या कर देना है, यहाँ पे इसे क्ले कर देना, इंटीरियर की मॉडलिंग कर रहे हैं एक्सटीरियर कर रहे हैं, इसका फायदा क्या होता है। इसका फायदा डियर स्टूडेंट्स ये है कि जब हम मॉडलिंग कर रहे होते हैं तो कलरफुल्स होंगे तो उसमें मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं हमारे पास, कि किसी भी पॉइंट्स को पिक करना वो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, उस वो साथ अटैच है नहीं है अटैच, उसको भी देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो हम क्या करते हैं कि यही क्ले की यहाँ पे ऑप्शन जो है इसे ऑन कर लेंगे तो ये टोटल ऑब्जेक्ट जो होगा ये सारा का सारा आपका रेड शेड में जो है वो आ जाएगा। रेड शेड में आने के बाद आप जो है इसके ऊपर फर्दर मॉडलिंग जो है वो आप कर सकते हो, ठीक है। अब हमने कमांड या छूट की भी देख ली और नेक्स्ट वर्क जो है ये तो स्टूडेंट्स ये सिंपल सिंपल है, आप ट्राई करना चाहें तो आप ट्राई कर सकते हैं। सर्कल जो है सर्कल को देखना चाह रहे हैं, उसका रेडियस, ठीक है, ये सारी ऑप्शंस को भी आपने चेक करना है, ठीक है। फर्दर वन बाय वन हम भी इसके ऊपर वर्किंग जो है वो कर लेंगे, ठीक है, ये स्टेप्स क्या चीज है, ठीक है। जैसे हम सम टाइम आप ऑटोकैड के पेज से जब ऑब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाए या सम टाइम काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो जाए तो वो कुछ पॉलीगोनिक शेप में आ जाता है जब डोर आपका जो है, तो उसके लिए हम कमांड यूज करते हैं, रीजन की कमांड यूज करते हैं, आर ही एंटर करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाता है। तो इसी तरह सर्कल है, फोर तो ये हमारे पास फोर शेप में है, जीरो है यहाँ पे, तो यहाँ पे जब मैं शेप को इंक्रीज करूंगा सर्कल की तो ये पॉलीगोनिक, इसी तरह इसका स्पेयर को जो हमेशा आपने इंक्रीज करके सर्कल को ड्रॉ करना है, ठीक है, ये चीज है। इसी में आपके पास पॉलीगॉन भी है,
एलिप्स भी है, ठीक है, एलिप्स भी है, काफी सारी चीजें आपके पास हैं यहाँ पे जो हम वन बाय वन वर्किंग के दौरान जो है वो यूज करते रहेंगे। आप भी इसे चेक कर लीजिएगा। आज हमने लाइन के साथ और रेक्टेंगल को किस तरह यूज करते हुए ये करते हैं वो हमने इस चीज को देख लिया है, ठीक है, कि एक्सट्रूड किस तरह से होता है। अब फर्दर जो है हम देख रहे हैं इसमें एडिट टू पॉली के ऊपर जाएंगे। स्टूडेंट्स, मेरा सभी कमांड्स को रिवाइज करने का मकसद और एडिट टू पॉली पे भी मैं अब अभी जो आ रहा हूँ इसलिए आ रहा हूँ ताकि आप एडिट टू पॉली को ज्यादा से ज्यादा यूज करें, क्योंकि आपके वर्किंग में सबसे ज्यादा यूज जो है ना वो एडिट टू पॉली का होगा, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका हाथ जो है वो काफी ज्यादा, आपकी ग्रिप उसके ऊपर हो जाएगी, ठीक है, एडिट टू पॉली के ऊपर। एडिट टू पॉली के साथ आप हर चीज बना सकते हैं, तो ये चीज है। यहाँ पे मैंने एक एडिट टू पॉली करना है तो मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा तो कन्वर्ट टू एडिट टू मैश भी है, एडिट टू पॉली मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, एडिट टू पॉली। अब ये मेरे पास बॉक्स था जो मैंने वॉल ड्रॉ की हुई थी लाइन की मदद से और एक्सट्रूड था, वो अब कन्वर्ट हो गया एडिट टू पॉली में। एक चीज ये भी देख लीजिएगा स्टूडेंट्स आपके लिए कि ये ऑब्जेक्ट था, इसके ऊपर मैंने राइट क्लिक किया, कन्वर्ट टू एडिट टू पॉली, ये सारा का सारा का ऑब्जेक्ट जो है वो एडिट टू पॉली में कन्वर्ट हो गया। अब आप जो भी इसकी हाइट इंक्रीज करना चाह रहे हैं, डिक्रीज करना चाह रहे हैं, वो आप एडिट टू पॉली के थ्रू ही करेंगे। वो कैसे, मैन्युअली। मैन्युअली करने के लिए ये हम जो है इसे सेलेक्ट करेंगे, नोड्स को सेलेक्ट किया, अप एंड डाउन किया, ठीक है, अनचेक कर दिया। एक ये चीज होगी स्टूडेंट्स, और एक स्टूडेंट्स एक चीज यहाँ पे इसकी कमांड्स को याद रखने के लिए, इन चीजों को याद रखने के लिए, जब आपके पास आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हो, एडिट टू पॉली आ गया, इनकी कमांड्स क्या हैं, ड्यूरिंग एक्टिवेशन जो है इस कमांड के क्या कमांड्स होंगी, तो वो उसके है, इससे हमने किया, ये वन है, इसकी शॉर्ट की वन प्रेस करूंगा फर्स्ट आ जाएगा, टू प्रेस करूंगा सेकेंड, थ्री प्रेस किया बॉर्डर, फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, ये इसकी कमांड है, ठीक है। फाइव प्रेस किया अनचेक्ड हो गया, वन प्रेस किया वन एक्टिव, वन प्रेस किया अनएक्टिव। ये तो हो गया हमारे पास कि उसने पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट्स को एडिट टू पॉली में कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसमें वर्किंग करना भी चाहें, अप एंड डाउन करना भी चाहें तो एडिट टू पॉली से कर सकते। सेकंड है आपके पास, आप चाह रहे हैं कि ये जो है ये एक्सट्रूड की वैल्यू जो है ये आप उससे भी इंक्रीज भी करें डिक्रीज भी करें, ये चीज भी रहे, और एडिट टू पॉली में कन्वर्ट भी हो जाए, उसके लिए क्या करना होगा, आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद मॉडिफाई लिस्ट में जाएंगे आप, यहाँ पे जाके आपने क्या कर देना है, एडिट टू पॉली, ठीक है। अब ये देखेंगे एडिट टू पॉली में कन्वर्ट भी हो गया, मैन्युअली वर्क करना चाह रहे हैं मैन्युअली वर्क भी कर सकते हैं। फर्दर आप एडिट ये वर्टिक्स के साथ वर्क करना चाह रहे हैं, यहाँ से आप आगे की तरफ मूव करना है, पीछे की तरफ, बाय मिस्टेक आपके पास ये कम होगी वैल्यू तो आप ये आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी के दौरान मैंने एक स्टूडेंट्स कमांड यूज की, ये बैक की यानी अंडू कर किया, इसमें कंट्रोल जी सेम वही सभी सॉफ्टवेयर में जो यूज होते हैं, कंट्रोल जी प्रेस किया, ठीक है। फर्दर जो है इसका और ज्यादा देख लेते हैं इस चीज को, कंट्रोल जी के साथ इसे जो है हम अंडू करेंगे, ठीक है, और ये अंडू जो है हम
इसमें एक चीज का जरूर ख्याल रखिएगा कि 3DS Max में जब हम 3 से 4 बार इसे बैक जाएंगे तो ये फाइल को करप्ट कर देता है, ठीक है, आपकी एरर आ जाएगा और ये फाइल जो क्लोज हो जाएगी। तो इसमें एक चीज का ख्याल रखना है कि आपको सेव जो है वो मस्ट करना पड़ेगा, फाइल को सेव किया। ये भी मैं एक प्रोसीजर है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने फाइल्स को किस तरह से वन बाय वन जो है सेपरेटली सेव करना है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, यहाँ पर इसका फोल्डर बना लेते हैं, मैक्स का, मैक्स के फोल्डर में यहाँ पे हम वन, इसे मैंने वन का यहाँ इसे हम नाम दे देते हैं 00/01। ये मेरे पास सीरीज जो है ये मैंने इसे ला, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करता, इसमें मैंने थोड़ी सी चेंजिंग्स करके अब इस पार्ट को मैंने एडिट टू पॉली के साथ वर्क करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसे सिलेक्ट करूँगा और वही सेम प्रोसीजर आल्ट क्यू प्रेस किया, ये सेपरेट हो जाएगा। सेपरेट होने के बाद मैं अब ये देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें बॉर्डर वो लाइन जो है वो शो नहीं कर रहा कि ये कितने पार्ट्स में बना हुआ है, कितने सेगमेंट्स में बना हुआ है। अभी तो ये एक ही सेगमेंट्स में ऊपर गया हुआ है, ठीक है, तो अभी एक ही आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, F4 के साथ सेगमेंट्स ऑफ हो जाएंगे, F4 के साथ ही ऑन हो जाएंगे, ये इस तरह से वाइड लाइन जो आ रही है, ये लाइन जो आ रही है। अनचेक करूंगा, ये बिल्कुल स्मूथ, ये इस तरह से आपके पास बॉर्डर शो कर देगा। F4 प्रेस कर दिया, करने के बाद ये मैं कर रहा हूँ पॉलीगॉनिक, पॉलीगॉन के ऊपर जाकर मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अभी ये 5 फिट पे थी, मैं 2 फिट और ऊपर ले जाता हूँ, 2 फिट का एक्सट्रूड करते हैं। इसे सेलेक्ट करने के बाद नीचे देखेंगे यहाँ पे एक्सट्रूड की कमांड आ रही है आपके पास, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मैं मैनुअली इसे एक्सट्रूड कर सकता हूँ, यानी कि खुद जो है आप मैनुअली जो है ये अप एंड डाउन जितना आपने एक्सट्रूड करना है वो कर लिया, कंट्रोल जी करते हैं। सेकंडली क्या है कि आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज हैं कि कितना आपने एक्सट्रूड करना है, ठीक है। मैं फिर दोबारा अगेन कर रहा हूँ, ये इसे पॉलीगॉन को सिलेक्ट करना, सिलेक्ट करने के बाद इसके आगे देखेंगे सेटिंग के ऑप्शन है, उसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये मेरे पास कुछ इस तरह से बाज ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि 2 फिट एक्सट्रूड हो जाए, टू ओके, 2 फिट जो है इसकी एक्सट्रूड कर दिया मैंने इसे, ठीक है। अब ये देखिए ये 2 पार्ट्स में हो गया है, 1 2, अब ये मेरे पास 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। अब ये देखिए मैंने क्लिक करने के बाद ओके किया तो फाइल क्या होगी, जो आपका टूल बार था वो क्लोज हो गया। हम चाह रहे कि इस तरह नहीं होना चाहिए, हम इसमें और वर्किंग करना चाह रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, हम इसे फिर दोबारा सेलेक्ट करेंगे, सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद इसकी टोटल हाइट जो है अब यहाँ से यहाँ तक जो है वो 7 फिट थी, 7 फिट के बाद हम 3 फिट और इंक्रीज करते हैं, ये प्लस का साइन आ रहा है, प्लस के ऊपर हम जो है क्लिक करेंगे, 3 फिट एक्सट्रूड हो गया, फर्दर उसने दे दी वैल्यू कि फिर दोबारा 3 फिट करना चाह रहे हैं, हम कहते हैं नहीं, फिर दोबारा आपका तो 1 फिट। ये करने के बाद हम यहाँ पे इसे ओके करते हैं तो ये फाइल क्लोज हो जाएगी, मीन कि हमारे पास 11 फिट की हाइट है मेरे पास आ गई, ठीक है। 10 फिट पे हम जो है वो सीलिंग को रखा और फर्दर जो है मौका दिया गया। जी स्टूडेंट्स, सर काइंडली रिपीट कर दें। जी मैं रिपीट कर रहा हूँ, शुरू से एडिट टू पॉली को रिपीट करना, नहीं सर, फर्स्ट वाला स्टेप तो समझ में आ गया, जो सेकंड हम कॉपी कर रहे हैं अगेन उसको, उसकी सेटिंग्स कहाँ से आएंगी? जी मैं वही रिपीट कर रहा हूँ। ये देखिएगा कि हमने एक्सट्रूड किया, ये पॉलीगॉन है, इसकी शॉर्ट कमांड 4 है, यानी ये 4 नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 एंड 4, 4 प्रेस करूंगा तो ये कमांड एक्टिव हो जाएगी।
एक्टिव करने के बाद हम क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये हमारे पास एक्सट्रूड की ऑप्शन है, सेटिंग। एक तो यहाँ पे है, इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मैन्युअली होगा। आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, डायरेक्ट वैल्यू एंटर करें एक्सट्रूड हो तो आपने क्या करना है, सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये मेरे पास शेप आ जाएगी, तो यहाँ पे मैं वैल्यू एंटर कर दूंगा। नंबर ऑफ वैल्यूज आपने पहले काउंट कर लेनी है। अब ये देखिए मैंने 5 फीट पहले एक्सट्रूड किया हुआ था, उसके बाद फर्दर 2 फीट इंक्रीज कर दिया। ठीक है, ये करने के बाद अब ऊपर जो है ये टोटल 7 फीट है। टोटल हाइट, सीलिंग तक हाइट जो है वो मेरे पास 10 फीट है। तो मैंने क्या किया, सेटिंग में गया हूँ, यहाँ पे जाके मैंने किया 7 और 3 फीट्स और वैल्यू यहाँ पे 3 फीट्स। अब ये प्लस का साइन है स्टूडेंट्स, अगर मैं ओके करूंगा तो ये कमांड को यहीं पे डीएक्टिव कर देगा। अगर आपको फर्दर ऊपर एक्सट्रूड नहीं चाहिए तो आप यहीं पे डीएक्टिव रहने दें, अदरवाइज अगर आप चाह रहे हैं कि नेक्स्ट भी आप एक्सट्रूड कर सकें, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, आपने 3 फिट प्लस ये फिर ऊपर वो 3 फिट ही दे रहा है। हम कह रहे हैं 3 फिट नहीं ऊपर जाएगा, ऊपर जो है वो 1 फिट चला जाए, 1 फिट का एक्सट्रूड हो, और यहाँ पे फिर कमांड जो है वो डीएक्टिव हो जाए, तो क्या करेंगे, ओके कर दें। अगर आप इस तरह से वर्किंग नहीं करना चाह रहे, वन बाय वन करना चाह रहे हैं, तो आप उस वैसे भी वर्क कर सकते हैं। अब क्या करें, यहाँ पे एक्सट्रूड की कमांड, फर्स्टली आप यहाँ पे 3 फिट एंटर करें। ठीक है, ये करने के बाद फिर दोबारा आप एक्सट्रूड पे जाएं, फिर यहाँ पे आप 1 फिट एंटर करें। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको वर्क करना चाह रहे हैं इसके ऊपर। ठीक है, ये आपके सामने कुछ इस तरह से शेप बन जाएगी। ये बनने के बाद आप देखें कि डोर का जो हमारे पास होता है, डोर हाइट वो 7 फीट होती है, 5 फीट और प्लस 2 फीट, 5 और 2 7। ये ऊपर वाला यहाँ से ये क्लोज होता है, हम क्या करेंगे इसे सिलेक्ट कर लेंगे स्टूडेंट्स। सिलेक्ट करने के बाद ये सेम प्रोसीजर हम रिपीट कर देंगे, इस तरह एक शूट कर दिया, यानी ये सिलेक्ट कर लिया, यानी दोनों पार्ट्स को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ब्रिज की ऑप्शन है, क्लिक कर देंगे तो ये आपस में अटैच हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नो सर, ठीक हो गया। अब ये नो सर, यहाँ तक मैंने कर दिया है। फर्दर जो ये स्टेप है ये आपने बनाना है। एक कोई भी आप वॉशरूम को लेआउट ले लीजिएगा, और एक पूरा वॉशरूम को आपने डिजाइन करना है, इसे भी मर्ज करना है, इसे भी आपस में मर्ज कर देना है, और ये विंडो आपके पास आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं फिर ये कमांड रिपीट कर देता सर। हूँ, इन पॉलीगॉन, पॉलीगॉन को आपने पॉलीगॉन के साथ सिलेक्शन कर लेनी है। सिलेक्शन वन पार्ट, सेम उसके ऑपोजिट वाला पार्ट को भी आपने कंट्रोल का बटन प्रेस करके उसे सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से ब्रीच कर देना, ये आपस में इस तरह से अटैच हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इस तरह से नहीं करना चाह रहे, ये तो था कि हमने पूरा एक पार्ट ही डिजाइन किया है, जिस तरह से हम वर्किंग करते हैं फील्ड वर्क में, जिस तरह से वर्किंग करते हैं, ये वो प्रोसीजर था। बैक चले जाएं, आप चाह रहे हैं कि मैं इस तरह से वर्किंग नहीं करना चाह रही, यहाँ चाह रहे हैं, तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, अब यहाँ पे सेपरेटली भी बॉक्स जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। आप बॉक्स लीजिएगा और यहाँ पे उसकी हाइट जो है 5 फिट कर देंगे। ये देखिएगा ये 5 फिट का हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है, सम टाइम होता है कि आप इस पार्ट, पूरे पार्ट के ऊपर वर्किंग करनी होती है, तो आपको फिर ये बार बार जो है काफी सारे पार्ट जब हो जाएंगे तो वो वन बाय वन सिलेक्ट करने पड़ते हैं। ठीक है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, आप एक ही ऑब्जेक्ट को, सिंगल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर सारा का सारा टोटल वर्क जो है वो आप कर सकते हैं, जिस तरह से हमने ये किया। ये डोर जो है ये सारा एक ही पार्ट है, ये सेकेंडली सेकेंड पार्ट बन जाएगा। ठीक है,
इसी को हम वन पार्ट कर लेते हैं। शिफ्ट मैं फिर बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, कॉपी करनी है, शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखें, जिस डायरेक्शन में कॉपी करनी है उस डायरेक्शन में जाके आप कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। एक हमने बॉक्स के साथ किया और एक हमने पॉलीगॉन यूज करते हुए उसे बना लिया, ठीक है, डीएक्टिव कर दें। इसी तरह इससे ऊपर वाला पार्ट ये मैं सारा ड्रॉ कर लिया है, लेकिन आप ये असाइनमेंट ये है, आपने एक रूम जो है ऑटोकैड में ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद उसे मैक्स में इंपोर्ट करना है। मैक्स में इंपोर्ट करने के बाद फर्दर आपने पूरा उसे एक्सट्रूड कर देना है, ठीक है, पूरा रूम एक्सट्रूड कीजिएगा। मैंने ये वॉशरूम लिया है, आप वॉशरूम लेना चाहें वॉशरूम ड्रॉ करना चाहें वॉशरूम कर लीजिएगा, बेडरूम ड्रॉ करना चाह रहे हैं बेडरूम को कर लीजिएगा। लेकिन मुझे असाइनमेंट जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में, कल जो है ये मुझे चाहिए, कल मुझे इस चीज़ की असाइनमेंट लाजमन चाहिए, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है स्टूडेंट्स, सभी को क्लियर है यहाँ तक? किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, सर किसी का कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। लेक्चर क्लियर है आज का स्टूडेंट? लेक्चर क्लियर है? जी सर, क्लियर चलिए, सर। इसकी रिकॉर्डिंग तो मिलेगी ना? रिकॉर्डिंग मिलेगी लेकिन मुझे कल असाइनमेंट भी मिलनी चाहिए, सर इंशाल्लाह। ठीक हो गया। किसी का कोई भी क्वेश्चन नहीं है? क्लियर है टोटली? वेल एंड गुड। स्टूडेंट ये देख लीजिएगा, और एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप चेक करना चाह रहे होते हैं, यहाँ पे मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और F7 प्लस, जस्ट 7 प्लस करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास ये कितने पॉलीगॉन हैं, ये टोटल वैल्यूज ये आ जाती हैं यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, कितने पॉलीगॉन्स हैं, कितने वर्टिक्स हैं, ये सारे हमारे पास ये सारी सारी वैल्यूज आ जाती हैं, ठीक है। तो आप चाह रहे होते हैं कि यहाँ पे ये नंबर्स भी आते रहें, तो इसकी शॉर्ट कमांड होती है 7, जस्ट 7 प्रेस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसे ऑफ भी रख सकते हैं, ठीक है, इस चीज़ से आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। और रोटेट का भी मैंने आपको बता दिया हुआ है, ठीक है, आज हमने स्नैप को भी रीड कर लिया है, ठीक है, स्नैपिंग को हमने रिपीट कर लिया, स्नैप रिपीट हो गया हमारे पास। हमने आइसोमेट्रिक सिलेक्शन को देख लिया, किस हम एक पार्ट को सेपरेटली वर्क कर सकते हैं सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है, आज हमने वो भी देख लिया। आज हमने पॉलीगॉन देखा, पॉलीगॉन को फर्दर डिटेल से भी स्टूडेंट्स देखेंगे, ये अभी हम चाह रहे हैं कि इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर दें ताकि आपकी थोड़ी ग्रिप हो जाए इसके ऊपर, ठीक है। लाइन के साथ हमने किस तरह से ट्रेसिंग की, ठीक है, शेप को किस तरह से ड्रॉ किया और एक्सट्रूड किया, ठीक है, मॉडिफिकेशन में जाएंगे, ये काफ़ी सारी आपके पास टूल बार्स हैं, ठीक है, ये चीज होगी। फर्दर भी हम देखेंगे कि लाइन के साथ फॉर लेट्स सपोज ये मेरे पास लाइन है, लाइन के साथ हम कुछ भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे ये ग्रिड जो है हम चाह रहे हैं ग्रिड स्नैप करें, तो वही सेम प्रोसीजर मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे जाकर मैं ग्रिड या ग्रिड पॉइंट्स जो है वो उसे सिलेक्ट करें, ठीक है, इसे एंड पॉइंट्स को मैं ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, और एस प्रेस कर देता हूँ, ये देखें ग्रिड पॉइंट्स को ही वो ट्रेस कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा, ये एक लाइन जो है
फर्दर हम इसकी सम टाइम होता है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो प्रोडक्ट डिजाइनिंग में जाते हैं, ठीक है, कुछ जाते हैं आर्किटेक्चर फील्ड्स में, ठीक है, ऑटो 3ds मैक्स में आप मल्टीपल वर्क कर सकते हैं, कैरेक्टर मॉडलिंग है, एनिमेशन है, आर्किटेक्चरल फील्ड है, इसी तरह आपकी प्रोडक्ट जो डिजाइनिंग है वो आ जाती है, ठीक है, तो आप प्रोडक्ट्स को भी डिजाइन करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, वो करने के लिए भी, वो भी हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, फर्दर डिटेल के साथ। किसी भी प्रोडक्ट या कोई भी आप टूल ड्रॉ करना चाह रहे हैं, डिजाइन करना चाह रहे हैं, वो किस तरह से करेंगे, ठीक है, ये मेरे पास एक पार्ट छोटा सा मैंने जो ये बना के दिखा दिया आपको, कि हम मैन्युअली भी वर्क जो है इसके अंदर फर्दर डिटेल के साथ आप प्रोडक्ट डिजाइनिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, काफी ज्यादा काम होता है इसका। जैसे आप एग्जीबिशंस होती हैं, एग्जीबिशंस में आपको मुख्तलिफ स्टॉल जब आप डिज़ाइन करते हैं तो कुछ पार्ट्स इस तरह से होते हैं कुछ क्लाइंट्स के वो आपको खुद से बनाने पड़ते हैं, तो वो आप खुद से भी बना सकें, ठीक है, ये कमांड्स हैं, फर्दर हम वो भी डिटेल्स को देख लेंगे, ठीक है। अभी आपके असाइनमेंट्स है कल के लिए, आपने कोई सा एक रूम जो है उसे एक्सक्लूड करना है, ठीक है, और एक चीज़ एडिशनल जो है वो आपने खुद से जो करनी है वो ये होगी कि आपने यहाँ पे डोर भी लगाना होगा और विंडो भी लगानी होगी, ये आपका एक है, आपने सर्च करनी है इसके ऊपर किस तरह से आप डोर किस तरह से लगाएंगे और विंडो किस तरह से लगाएंगे, ठीक है, ये चीज़ है स्टूडेंट्स। तो किसी का कोई क्वेश्चन भी नहीं है, अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ तक कि आज की हमारी क्लास थी, ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो अभी भी पूछ सकता है, ठीक है, और आपको असाइनमेंट जो है वो भी मैंने आपको बता दी है कि क्या असाइनमेंट्स होगी, ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो अभी अभी पूछ ले, ठीक है, और कल जो है सर मुझे असाइनमेंट असाइनमेंट किस चाहिए। फॉर्म में सबमिट होगी? असाइनमेंट जो है वो आपको सोर्स फाइल मुझे शेयर करनी होगी, और एक साथ में पिक्चर जो है जो हमने प्रोडक्ट जैसे कि बन गई आपकी, आपने मॉडल कर लिया, आप इसकी पिक्चर जो है वो भी शेयर कीजिएगा ग्रुप में, किसी को कोई इशू आ रहा होगा तो वो ग्रुप में ही मैसेज करके शेयर करेगा, लेकिन पिक्चर शेयर करेगा, ठीक है, शेयर करने का सर जो पिक्चर प्रॉब्लम आई कैसे, है पिक्चर मोबाइल में सर कैसे पिक्चर सर डाल करना? दीजिए, अच्छा मोबाइल मोबाइल में से, ठीक सिंपल है, वो फर्दर हम देखेंगे कि कितना से आप पिक्चर्स बनाएंगे, ठीक है, इंशाल्लाह आप असाइनमेंट जितनी जल्दी से आप असाइनमेंट सबमिट करवाना शुरू कर देंगे। सर। आपने डोर का कहा, डोर कैसे लगाना है खुद, यानी कि बना के डोर ऐड करना सर? हाँ ये आपके ऊपर है, आपने इसके ऊपर सर्च करनी है, डोर बनाना, मेहनत करनी है थोड़ी सी, बॉक्स और पॉलीगॉन, ये मैंने आपको दो चीज बॉक्स बता दिया हुआ है, ठीक है, और आज हमने फर्दर रीड आउट कर लिया हुआ है पॉलीगॉन को, एडी टू पॉली को भी, ठीक है, तो आप यही टूल यूज करते हुए आप एक अच्छा डोर बना सकते हैं,
आज की वर्किंग को देखते हुए आप एक अच्छा सा डोर विंडो डिजाइन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल दे दूं कि जैसे मैं ये सीलिंग के ऊपर वर्किंग कर रहा था और एक ही ऑब्जेक्ट आया था और उसे हमने एक्सट्रूड किया और वो एक ही पार्ट बना और एक्सट्रूड होके वो बन गया। आपने क्या करना है, इसकी डोर को ऑटोकैड में इसकी फ्रंट एलिवेशन आपने बना लेनी है। मैं आपको इजी कर दूं थोड़ा सा। डोर का आपने एलिवेशन ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद आप यहाँ पर आके उसको ट्रेस करें, जो कमांड्स आपने रीड आउट किए हैं उसके मुताबिक आप जो है इसे फर्दर एक डोर जो है वो आप बना देंगे। ठीक है, एक्सक्लूड करना है ये साइड पे आपका फ्रेम जो होगा जिसे हम चगॉट करते हैं वुडन की, वो बनानी है आपने। वो किस तरह से बनानी है, वो आपने अगर 2D में बनाएंगे तो मैक्स में बनाना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। उसे आप लाइन के साथ ट्रेस करिएगा, एक्सक्लूड कीजिएगा और वो बन जाएंगे। ठीक है, और विंडो को भी ऑटोकैड में बनाएंगे, मैक्स में इम्पोर्ट करेंगे आप 2D उसका फॉर्म और इजीली वहां पे भी वो बन जाएगी। ठीक है, किसी का कोई और क्वेश्चन नहीं है तो क्लास खत्म है। ठीक है, और कल की असाइनमेंट्स ये है कि आपने मुझे कोई भी एक बेडरूम कोई करना चाह रहा है, बेडरूम को डिजाइन करना चाह रहा है, बेडरूम को एक्सट्रूड करेगा, डोर विंडो कंप्लीट मुझे रेडी चाहिए, रेडी फॉर्म में चाहिए। जैसे ये सीलिंग है, सीलिंग का भी कोई इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, आप सिंपल सा काम कर सकते हैं। इसे यहाँ पे आप सीलिंग कोई सी भी आप ले लीजिएगा, उसे डिजाइन कर लीजिएगा इस इन्हीं कमांड्स को यूज करते हुए। मैं फिर इसे ऑफ कर रहा हूँ, एंड ओके स्नैप। आप वन बाय वन करना चाह रहे हैं, प्लेन सीलिंग है या आप अंदर रूफ लाइट दे रहे हैं, कहाँ कहाँ पर आपने लाइट्स देनी है। जैसे ये लाइट्स हैं, आप यहाँ पे इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, कोई सा भी आप सिलेंडर ले लीजिएगा, उसे आप बना के इस तरह से कॉपी करके वो लगा लीजिएगा। ठीक है, लेकिन आप में कल ये वर्किंग मुझे ये करके हर सूरत सबमिट करवानी है, कोई एक्सक्यूज नहीं है, कुछ भी नहीं चलेगा। ठीक है, ये लाजमा ओके चाहिए। सर, ठीक हो गया स्टूडेंट्स, फिर कल इंशाल्लाह आपकी क्लास की टाइमिंग जो है वो आपको शेयर कर दी है। ठीक है, तो 5:30 बजे आपको इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो शेयर कर दी जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।